पसंदीदा एक्शन मूवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें। बहुत बहुत मुबारक हो रंजीत। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। आइए सर, थैंक यू सर। बस आपके आने के थोड़ी देर पहले मुझ जैसा अच्छा पति हुक करने की खुशी में इन्होंने ऐलान किया है कि हमारे पुलिस शहीद जवानों की विधवाओं के वेलफेयर फंड के लिए ये फर्स्ट क्लास डांस का प्रोग्राम 16 अगस्त को देंगे। क्या? बताता हूँ। देखिए सर, औरतों को भी अपनी तारीफ सुनने का कितना शौक होता है। आप भरतनाट्यम और कथक की शास्त्रनी हैं। क्या? शास्त्री का फीमेल जेंडर में नहीं जानता। और देखिए सर, ये भी बताने को कह रही हैं कि उस रोज ये दुल्हन की तरह वीर बहुती बनी स्टेज पर आएंगी। ये वीर बहुती क्या होता है बेटा? वीर बहुती माँ, वीर बहुती तुम्हारी बहू की तरह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मखमल की तरह प्यारा सा कीड़ा होता है। नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत ही फूल जैसा प्यारा खूबसूरत कीड़ा ही तो होता है। इस शो के लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अभी आपका शुक्रिया अदा कर देता हूँ। अरे सर, अभी शुक्रिया अदा मत कीजिए, वरना ये कहेंगी कि शुक्रिया तो वसूल हो गया है, शो करने की क्या जरूरत है। आउच! सर देखिए, ऑफिसर ऑन ड्यूटी पर हमला किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, शादी बजाने दीजिए, फिर देख लूंगा। काली पारियों की दाहिनी तरफ देखा गया, अगर आप इजाजत दें। नहीं नहीं, मैं खुद उसे पकड़ूंगा। डैडी, एक जरूरी काम है, मैं अभी जाकर। आज तुम छुट्टी पे हो, आप लोगों का भी कमाल है, चले आए जरूरी काम लेकर। हम कभी छुट्टी पर नहीं होते, विदाई कर लीजिएगा। We'll be right back.
आज तक मुझे किसी ने गाली देने की हिम्मत नहीं की। आदमी काफी कड़क हो, मुझे छोड़ने का क्या लोगे? आज तक मुझे किसी ने रिश्वत देने की हिम्मत नहीं की। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मुझे आज तक किसी ने धमकी देने की हिम्मत नहीं की। डीएसपी रंजीत सिंह, शायद तुम्हें पता नहीं आज तुम्हारी उम्र की लकीर कितनी छोटी हो गई है। ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन मेरे सामने तुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। चल। बंद करो उसे। वेल डन रंजीत, वेल डन। आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तुमने उस आदमी को गिरफ्तार किया है जो बरसों से कानून का मजाक उड़ा रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तुम्हारी बीवी बहुत मुबारक साबित हुई है। मेरे लिए या कानून के लिए? है दोनों के लिए। कानून को बलबीर जैसा नोटोरियस बदमाश मिल गया और तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी। थैंक यू सर। मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। इसे संभाल कर रखना। सर आप जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। वहां सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। रंजीत सिंह, इस जिल्लत का कर्ज तुम सूद समेत उतारोगे। नहीं, इसका मौका तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तुम्हें फांसी चढ़ाने वाला हूं। अरे भाई साहब आप। दरअसल मैं भाई साहब, शीला के दहेज में एक चीज रह गई थी तो वो पहुंचा नहीं आया। ऐसी भी क्या चीज थी भाई साहब? भाई साहब, शीला के दहेज में एक नग बाप रह गया था। मैं अपनी बेटी शीला के बगैर अकेला नहीं रह सकता, इसलिए कुछ दिनों के लिए आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। जरूर जरूर, लेकिन एक शर्त। वो क्या? पहले मेरे जैसा मोटा बंप होना पड़ेगा। लेकिन मेरी बेटी और दामाद नहीं दिखाई देते। आप भी कैसी बातें करते हैं भाई साहब? शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन कहाँ हो सकते हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे वासा, इस लगाते पर तो फटाफट गाने गाया करती थी। अरे अब सागरात के बाद जरा भी कोऑपरेट नहीं करती। माना कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन होंठ भी तो नमकीन है। अरे भाई साहब, आप ही कोशिश करें तो कुछ होगा। अब आप कुछ करवा दीजिए। चलो एक साथ जलाते हैं सब।
आवाज़ें कैसी? सब लोग पटाखे जला रहे हैं ना? नहीं, ये पटाखों की आवाज़ नहीं हो सकती। समय उतारोगे। नहीं मारो, नहीं, नहीं मारो, छोड़ दे, छोड़ दे, कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे कभी नहीं, छोड़ दो। Jump!
खबरदार जो कोई भी आगे बढ़ा। लाल मिर्ची बड़ी तीखी है, चख के देख ले दोस्त। मामला कुछ अनशन सा लगा इसलिए हम चले अंदर। भाई बलबीर के आदमियों का अड्डा सेहत के लिए काफी खतरनाक है। तुम मेरा एक काम करोगे? फरमाइए। मुझे बलबीर चाहिए। बलबीर किस लिए? ये सब मैं बाद में बताऊंगी, उसके हाथ बांध कर मेरे सामने फेंकना होगा। काम कुछ टेढ़ा है मैम साहब। मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। 10,000, 20,000। आप मुझे 15,000 दे सकती हैं? मैं हर खास काम अपने बड़े ही जिगरी दोस्त के साथ करता हूँ और उसे लाने के लिए उन रुपयों की सख्त जरूरत है। के हर कुछ नहीं यार, तला जेलर से जरा लफड़ा हो गया, इसीलिए कहता हूँ गुरु कि अकेले अकेले जेल मत आया कर। साला जब भी अकेले आता है कोई ना कोई लफड़ा झगड़ा कर ही लेता है। सजा हो जाने दे, 6 महीना भी टिक गया ना साले जेलर को छठी का दूध याद दिला दूंगा। साला पब्लिक सर्वेंट होकर पब्लिक से पब्लुबाजी करता है। तुझे सजा नहीं होगी, जुए खाने के मालिक को हमने तोड़ लिया है, वो तेरे खिलाफ बयान नहीं देगा बे। क्यों किया ऐसा? कुछ दिन आराम कर लेता। अबे अभी जो काम हाथ में लिया है वो मैं अकेला नहीं कर सकता, वो काम खत्म करने के बाद हम दोनों इकट्ठे 4-6 महीने की छुट्टियां मनाने यहाँ चले आएंगे। ए, क्या करते हो? रो रहे हैं, रो रहे हैं। नमस्ते कपूर जी। नमस्ते चले जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। मीना कब आ रही है? छुट्टियां तो हो चुकी हैं, एक दिन में आने वाली होगी। अच्छा।
शीला जी, ये मोटरसाइकिल की आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती। ए पप्पू, बंद करिए शोर। आओ आओ करुण बहन, आओ। ये इस डिब्बे में क्या छुपा के रखा है? हलवाई के यहाँ से दही लाई हूँ। दही के बिना निवाला नहीं टूटता जानू का। नमाज से लौटते ही पूछेगा, अम्मा दही लाई? दही और नमाज के सिवा और कुछ नहीं सोचता उसे। आज क्या मांगा अल्लाह मियां से? पिछले दो साल से हर नमाज के बाद मैं तुम्ही को मांगता हूँ। दुनिया में मांगने लायक और कोई चीज है भी नहीं। खाली अल्लाह मियां के आगे हाथ फैलाने से मैं नहीं मिलने वाली। मेरे चचा मियां के आगे भी तो हाथ फैलाओ। तुम जानती हो बानो, बलबीर और उसके आदमी इस बस्ती के दुश्मन है और मैं अकेला उनसे निपट नहीं सकता। पता नहीं कब किस वक्त वो आंधी की तरह हमारी खुशियां मिटाने आ जाएं। लालू, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ माँ, आया मैं अभी आया। हम तो दही खाएंगे। साले हराम सारे, इतनी जल्दी क्यों मरना चाहता है? ये जानू हैदरी का हाथ है और मौत के सवा को नहीं छुड़ा सकता। नहीं, नहीं, छोड़ दे, तुम इन लोगों से झगड़ा करना चाहते हो? मैं भाई से नहीं छोड़ूंगा, नहीं। मेरी कसम, अल्लाह की कसम, छोड़ दे। मैं कहती हूँ छोड़ दे, छोड़ दे। बोतल नहीं भेड़ो, केस लाओ। कैश सर, सर, ये मेरा बेटा है। अगर ये ऐसे हंसब बोलेगा तो जवान नहीं हो पाएगा। किस तरह आमदनी ने रास्ते में जीप रोकी है?
तुम्हारे बाप ने लगता है साला नया आया है। ऐ भैरव, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? चल जी फटा। अबे ओ मरियल, साले अपनी खैर मना, मैं यहाँ पे तुम लोगों की मौत बंद कर आया हूँ, समझे? आजा बेटे, बेटा हम सबकी मदद के लिए अल्लाह ने तेरा एक भाई भेज दिया है। कॉकरोच की औलाद, गिरफ्तार कर लो इन सबको, ले चलो इन्हें। साल भाग। नमस्ते। थैंक यू। तुम तो कह रहे थे कि तुम ये काम अकेले में नहीं कर सकते हो, लेकिन काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। मगर फिर भी तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? दोस्त जेल में, बस बाहर आने ही वाला है। आहा, क्या सुर में बज रहे, वाह। कौन संग है यार? गुरु, कोई लड़की है मोटरसाइकिल पे। अरे लड़की है क्या हवाई जहाज? रुक गए। अबे तेरी गाड़ी तो मेरे जैसी है, जहाँ लड़की देखी वही रुक गई। Oh,
इतनी तेज कहाँ जा रही थी जाने मन? तेज चलाना कानून के खिलाफ है। बिल्कुल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इतनी जवारी कहाँ से लाई हो? कोई बैंक लूटा है क्या? मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। छोड़ दो उसे। इसको बोल दे कि कुत्ते के मुंह से हड्डी निकालना आसान है लेकिन जैकी के हाथ से लड़की लेना असंभव। अच्छा, अरे जाना, अपना टाइम काहे को खराब कर लेला है। अबे तेरा टाइम तो खराब हो गया ला क्या? धीरे मारना। टाइम ठीक करने का हर तरीका आता है मुझे। बोले अभी तेरा मुंह तोड़ता हूं। मेरी बोतल तोड़ दी। ये देखिए। थैंक यू। बेहोश हो जाओ, बेहोश हो जाओ। बेहोश। हाँ, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स किला? ये जगह तो मैंने नहीं देखी लेकिन अशोक किला देखा हूँ। हाँ, ये क्या स्टूपिड बात कर रहे हो? शुक्रिया। व्हाट इज दिस? कौन किधर? यू डोंट नो इंग्लिश? जी। क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती? ओ, आती है, आती है, लेकिन क्या है कि आपकी तरह खूबसूरती से नहीं आती। ओ, I'm sorry. अरे आप साड़ी की क्या बात कर रही है? जब पतलून पहनिए तो साड़ी क्यों चाहिए? लेकिन आप मेरे साथ क्यों आ रहे थे? आपकी टैक्सी तो वहाँ खड़ी है ना? जी, टैक्सी तो वहाँ खड़ी है। ड्राइवर बेहोश है, जंगल का इलाका है, मैं अकेला हूँ। जरा जल्दी में हूँ अगर आप। ठीक है, बैठ जाओ। शुक्रिया। अरे व्हाट आर यू डूइंग? हाथ छोड़कर बैठो। क्या कि पहली बार फटफट में बैठा हूँ, गिर गया तो मुश्किल होगी। वैसे हर बार मौला हूँ, सब कुछ आता है मेरे को, सिर्फ दो ही चीजें नहीं आती। एक आपकी तरह अंग्रेजी बोलना, दूसरा फटपटी चलाना। आपकी पकड़ू? पकड़ लो। लेकिन तुम जा कर रहे हो? जी, पहले तो मैं भक्तपुर जा रहा था लेकिन अब आप जा जाएंगे? हाँ? मैं भी भक्तपुर ही जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। बल्लू आ गया दोस्त। सवेरे सवेरे विलायत जी मार ली। शाबाश। एक मिनट एक मिनट, ये तो बता ये महारानी है कौन? आहिस्ता बोल आहिस्ता। ये महारानी वही है जिसने तुझे छुड़ाने के लिए 15,000 रुपए मुझे दिए थे। काम के इस इलाके के सबसे मशहूर बदमाश बलबीर को पकड़ के इसी महारानी जी के कदमों में डालना है। हो जाएगा। मार्शल,
कल सवेरे पुलिस हमारे आदमियों को सेंट्रल जेल शिफ्ट कर। आपने मुझे बुलाया? जो आदमी बलबीर के तुमने पकड़वाए थे वो उन्हें छुड़ाकर ले गया, अब वो तुम्हारे पीछे पड़ने वाला है। तो पढ़ने दीजिए, हम भी तो उसके पीछे पड़े हैं। आप तमाशा देखिए। मेरे लिए ये तमाशा नहीं है। सॉरी, मोटरसाइकिल सीख रहा है एक लड़की से। देखो ये है ब्रेक। क्या? ब्रेक खड़ा करने के लिए। स्टैंडिंग अप। नहीं नहीं, स्टॉपिंग स्टॉपिंग। मतलब खड़ा करने के लिए। लेकिन खड़ा तो है। हाँ है, चलो शुरू करते हैं। नहीं, आगे आगे। हाँ अब देखो यहाँ किक मारो। किक किसको? उसको नीचे जो है, शुरू करने के लिए किक मारो। अरे जरा जोर से दब लगाओ। चैलेंजिंग। हाँ अब गियर में डालो। क्या, किस में डालो? हाँ देखो, इसको दबाओ और इसको ऊपर करो। ओह, अब मेरा हाथ छोड़ो। अब धीरे से छोड़ो और आगे चलो। गिर गया। हटाओ हटाओ।
इसवा बाप कहां से आ गया? जल्दी चलो। क्या हुआ? देखो जल्दी से मुझे सिखा दो, नहीं तो कोई और मुझे सिखा देगा। बैठ जाओ। हाँ? और तेज। Stop! Huh? I said stop! Yeah? Stop it! You cheat? झूठे धोखेबाज? क्या हुआ? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मोटरसाइकिल चलानी आती है? आती? वो हाँ, ये तो आती है, लेकिन एक चीज नहीं आती, वो तुम सिखा दोगी तो बहुत अच्छा होगा। वो क्या? इंग्लिश। संडू मंडू, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ब्लडी फूल, ये बस्टर। झूठे हो तुम, तुम्हें इंग्लिश भी आती होगी। तुम जैसे धोखेबाज से मेरा कोई वास्ता नहीं है? सुनो, छोड़ूंगा ना।
छोड़ूंगा ना। ओ हसीना ना जा घुट के, अरे अरे रुक जा, जहां जहां जाएगी तू आऊंगा मैं। ओ हसीना ना जा घुट के, अरे अरे रुक जा। हे भगवान, काश मैं पढ़ा लिखा पैदा होता, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे माँ बाप की है। अरे ओ, सिर उठा कहाँ चला जा रहा है? अरे गुरु, मैं तो प्यार करके फंस गया। क्यों, क्या हुआ? बैठ जाता राजा। वो साली, मतलब मैं समझ गया, तू बोले जा। अब मैं क्या बोलूं, वो हर वक्त अंग्रेजी में बोलती है, मुझे अंग्रेजी आती नहीं। अबे तो अंग्रेजी तो बड़ी आसान भाषा है। क्या बोलता है? सबसे पहले तो अंग्रेजी शराब पीनी शुरू कर दे। अब अंग्रेजी शराब पिएगा तो तेरे को अंग्रेजी नशा होगा। अब अंग्रेजी नशा, साला हिंदी थोड़ी बोलेगा। हर बात के आगे में तू लगा दे इं। क्या इं? जैसे कि तू कहना चाहता है मैं प्यार करता हूँ, कर तो बोल मैं प्यार कर रिंग। जैसे बोलना चाहता है तू कि मैं दारू पीता हूँ, तो लगा दे मैं दारू पी। अब जैसे कि तू बोल आज तेरी लड़की है ना, उसके बाप के बार में हम लोग शराब पीने जाएंगे, कैसे बोलेगा तू? आज जो मेरी लड़की है ना, उसके बाप के घर में शराब पी। वाह, मैं पप्पू को लेने जा रहा हूँ बाहर, देखा है लड़की। तुझे फिक्र मत करो जी। क्यों साहब, कितने जल्दी है? अरे कितने कितने की, अभी जा नहीं सकते क्या? कमाल है। ओए अनशन, जा महाराज। हेलो जी, आया मालिक, बोलिए क्या बात? सुन, किसी को ऊपर नहीं जाने देना, खास तौर से इन दोनों बदमाशों को। आप फिक्र मत कीजिए। मैं हूँ। अच्छा, विस्की चाहिए? ले ले ले। लाता हूँ। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अगर वो आ जाए तो संभाल लेना, मेरी कसम। आपको पता है कपूर साहब क्या कह गए हैं, और मैं उनका नंबर वन का वफादार नौकर हूं। बोला ना, नंबर वन का वफादार हूं। आप निकल लीजिए, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। मैंने नहीं देखा जी, मैंने नहीं देखा, जमाना खराब है जी, मैंने नहीं देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अरे, छुरी तो सामने से निकालो। वो क्या है, मैं फिसल गया था, नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, गिर के स्टैंडिंग डाउन। तो ठीक है, लेकिन तुम आए कैसे? दरवाजा दो ओपनिंग। आई कमिंग, जैसे राजा महाराजा कमिंग। दरवाजा तो मैं समझ गई, मगर डैडी आ गए तो? अरे डैडी तुम्हारे नहीं आने वाले, वो तुम्हारे भाई को लेने गए हैं। पप्पू, पप्स। अच्छा, तो पूरी जासूसी करके आए हो तुम? हाँ। बोलो बोलो, क्या काम है? ये इतनी जल्दी का काम नहीं है मीनू, ये तो जिंदगी भर का काम है। ऐसा क्या काम है जिसके लिए जिंदगी भर चाहिए? वो क्या है मीनू, प्यार की बातें लंबी होती है ना, कभी कभी उन्हें कहने में
पूरा जन्म लग जाता है। आई अंडरस्टैंडिंग, वी आर टेकिंग वेरी लॉन्ग 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 टाइम। लॉन्ग टाइम, सो यू कमिंग आई कमिंग, हम दोनों पप्पे। अरे इतनी जल्दी लौट आ रहे थे कि रोड से कपूर साहब की हालत बड़ी आपदा। ओए पंजाब दा हाल तो ठीक है, लेकिन तू इतना चिल्ला क्यों गया है? अरे तू नहीं समझ सकता है कपूर साहब, ऐसे सदा प्यार रहेगा। कहां है डैडी? आ गए कपूर साहब। साडा काम बन गया जी, सारे को मैं देख लूंगा। क्या, किसको देख लोगे? अरे तुम्हारे डैडी को नहीं, मेरे यहाँ को मैं बोल कर आया तो पहरा देना डैडी ना है। हाँ डैडी आएंगे, हम जाएंगे। हाँ प्लीज तुम जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाएंगे डैडी? डैडी सचमुच कह रहे हो? हाँ प्लीज तुम जाओ ना। चलो मैं देख लूंगा। सुनो मैं। अरे पापा जाओ। अच्छा मैं जंप करूँ? जंप जंप। अबे वो ऐसे हो यार, पहले देख ली तेरी दोस्ती, तूने इस भैंसे को रोका क्यों नहीं? अरे तू पागल हो गया है क्या? और कितना टाइम चाहिए तेरे को? देर दोस्त, देर के लिए जितना भी टाइम मिले ना उतना कम है। एक बात बताऊं, ये जगह एकदम फर्स्ट क्लास है, तू भी बैठ जा, प्रेम कर ले। सुनकर इंसान कभी पनाह का नाम ना ले। रंजीत, मुझे तुम्हारी बात और उस रात अपनी आत्मा को दिया हुआ वचन सब अच्छी तरह याद है। उस वचन से मैं तुम्हें कभी जरूर आएगा रंजीत, जरूर आएगा। किसे बना रहा हूँ बाबूजी, याद करोगे? जाओ स्वर की औलाद को ढूंढ के लाओ, जल्दी जाओ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पप्पू। हाँ बहुत अच्छा नाम है, मेरे पास आओ बेटे। इतना बड़ा घंटा? बोल, कहाँ है वो स्वर का बच्चा? बोल, कहाँ है वो स्वर का बच्चा?
बोलता है कि नहीं? खबरदार, देखता नहीं मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है? अंधेरिया। क्या कहा? सोर का बच्चा, वो मेरा भाई है। क्या साले नहीं बताऊंगा, उठा ना साले। पप्पू को पकड़ लिया है, वो उसे मार डालेगा। नहीं नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। डैडी प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। डैडी, नहीं भाई, कसम, तू ऊपर जा, मैं जाता हूं। मैं मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम्हारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, इसके साथ खेलने का दिल करता है मेरा। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। कहाँ है वो सुअर की औलाद? नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, अगर मालूम होता तो भी नहीं बताता। जवानी में मरना चाहते हो बेटा? मौत का दिन तो अल्लाह मुकर्रर कर देता बलबीर। तू मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर डाल, लेकिन शहीद करबला की कसम, मेरे बदन के हर टुकड़े से तेरे सवाल का यही जवाब आता रहेगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ले आओ इसे। छोड़ के औलाद, मेरे दस गिनने से पहले अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं इन सबको घूम के खत्म कर दूंगा। एक, दो। Thank you.
ये क्या किया आपने? मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि बलबीर को तुम जान से नहीं मारोगे। बलबीर की मौत मुझ पर उधार है रघु। ये उधार आपके जीवन पे बोझ बन चुका है, मैं उसे सुनकर हल्का करना चाहता हूँ। ये कहानी हमारी शादी के दिन शुरू हुई। वैसे तो मैं तुम्हें कई तरीके से मार सकता हूं, लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम मुझे फांसी पर लटका दोगे। मैंने सोचा तुम्हारी यह तमन्ना जरूर पूरी होनी चाहिए। मंगूस, लटका दे इसे। दोस्तों एक काम करते हैं, इस मोटरबाइक को हटाकर इसे यहां खड़ा कर देते हैं। यह सती सावित्री है ना, इसकी जगह इसके पति के चरणों में है। कम ऑन। ध्यान से सुनो श्रीमती रंजीत सिंह, जब तक तुम में दम है तुम खड़ी रहोगी, तुम्हारा पति जिंदा रहेगा। जब तुम थक गई तो तुम्हारे पति के गले में फांसी का फंदा। ये मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहता था ना। रंजीत सिंह, जब तक यह आवाज तेरे कानों में गूंजती रहेगी तुझे तसल्ली रहेगी कि तू जिंदा है। जब यह आवाज बंद हो जाएगी तुझे लगेगा तेरी मौत नजदीक आ गई है। अच्छा हम चलते हैं रंजीत सिंह। तेरी मौत तन्हाई में होनी चाहिए ताकि तेरा मनहूस चेहरा कोई न देख पा। चलो। कल वो चैरिटी शो है ना जी साहब? नहीं, वो शो तो हम पोस्टपोन करने जा रहे हैं। क्यों? नहीं चलिए शीला जी, इन हालात में हम आपको कल डांस का शो देने को तो नहीं कह सकते। अब तो मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर की विधवा हूँ, ये शो भी मेरा है और है भी मेरे लिए, और रंजीत की भी यही ख्वाहिश थी। और देखिए सर, ये भी बताने को कह रही हैं कि उस रोज ये दुल्हन की तरह भी बहुटी बनी स्टेज पर आएंगी।
जल रही मैं यहाँ पिया बिना Yeah.
मुझसे ये कहने आए हो कि तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? दया आपके दर्द का अपमान है। हमारा नाम बेशक रघुनाथ शास्त्री है, मगर हम है जाहिल निभट, हम गुंडा आदमी है। मगर इस वक्त आपसे ये कहने आए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने खून से आपके आत्मा के एक घाव को धोकर साफ करेंगे, और इस सेवा के बदले में आपसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। ये समझिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमने आज कैंसिल कर दिया। आज से वो लड़ाई हमारी लड़ाई है। अब तुम अकेले चलाओ। अकेले? हाँ। ना बाबा, मुझे घोड़े से बहुत डर लगता है, प्लीज। अरे कमाल है, घोड़े से ज्यादा वफादार कोई जानवर है। चलो तुम ये समझ के घोड़ा चलाओ जैसे तुम मेरे कंधे पे सवारी कर रही हो, मतलब मेरे कंधे पे सवारी। मतलब नो डरोइंग? नो डरोइंग ना, फिर चक्कर लगाओगी। मल्लू, मल्लू मैं गिर जाऊंगी, मुझे बचाओ। लोग की मरहम पट्टी कर जाता हूं। रघु भैया, रघु भैया, बंदे बल्बे के आदमियों के पीछे गया है। कहां है वो? सफारी पार्क। सफारी पार्क? काफी जान है, कुछ नहीं बोलता है। मास्टर, दुल्हनिया आ रहा है। ये हरामजादा आज मेरे हाथों मरने वाला है, इसके मरने की खुशी में तू इससे प्यार कर, जला जला कर, तड़पा तड़पा कर जा। La 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 la
काम करते हैं, जिस नौजवान के हाथ से ये बम इस हरामजादे पर फटेगा वो नौजवान इस दुल्हनिया के साथ सुहाग रात मनाएगा। Yeah.
तेरे किस्मत में मेरे ही हाथों मरने लिखा है। आम जादे, अगर जरा भी हिला तो मैं तेरे आदमी को गोली मार दूंगा। जो साला मेरे दुश्मन के सामने हाथ बांधे खड़ा है, मेरे लिए वो गया। बल्लू कहाँ है? दवाई लाने गया है। आई परिचय कराई, ही फ्रेंड पप्पू, ही फ्रेंड रघु। हेलो दोस्त, अब इसे आंख मारना शुरू कर दिया। जब मैं तुम्हारी तरह गुस्सा मारना सीख जाऊंगा ना, तो मैं आंख मारना छोड़ दूंगा। अरे तू क्यों हंस रहा भाई? जब दोस्त हंस रहे हो तो आदमी को वजह पूछे बिना ही हंस देना चाहिए। करेक्ट। आप कैसे? बलबीर को शीला देवी के कदमों में डाले बगैर मैं मर नहीं सकता, इसलिए अच्छा मगर जल्दी से जरा अच्छे हो जाइए। जल्दी क्यों भाई? वही जल्दी है बिरादरान की एदी शादी की तारीख सर पे खड़ी है, उसी का इन्विटेशन देने तो आए थे। फिक्र ना करो कपूर साहब, फिर तो हम इस हाल में होला मचा लेंगे। मार्शल, आज भक्तपुर में जानू और बानू की शादी है। शादी यानी कि सुहाग रात? हम सब सुहाग रात मनाएंगे। जोरबाज की जबरदस्त का जबरदस्त का। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पप्पू बाहर है। पप्पू चला गया और मुझे बोल के गया गुड लक, आगे बढ़ो। तुम्हें आगे बढ़ा है? नहीं छोड़ो, मुझे मुझे चाय बनाने दो। देखो ना जल गई ना, इसलिए मैं कह रहा था। देखो मीनू, शादी के बाद मैं तुम्हें किसी गर्म चीज पर हाथ नहीं रखने दूंगा। तुम्हारा हाथ ना सिर्फ मेरे इधर रहेगा। एक पप्पू, मुझे क्या मालूम तो मेरी शादी एक फाइटर से होने वाली है। हाँ, जाओ जाओ जाओ। एक बार नहीं, एक बार नहीं। Thank you.
जानू को मिल गई बानू, नाचेंगे गाएंगे हम रात भर झूम के। यारों की ये खुशी
झुमके गाऊं ये गाना दम 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 बम 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 बनो को मिल गया जानो जानो को मिल गई बनो बनो को मिल गया जानो जानो को मिल गई बनो भर के खाना खाएंगे। बलबीर किधर? गांव के पीछे काली पहाड़ी के पास अपने आदमियों के साथ। अब किसी को नहीं बताइएगा। चलो पागल, उधर से नहीं इधर से चलते हैं। क्यों जानू भैया, हम आपके दुल्हन को खाना खिलाएं? बिल्कुल बिल्कुल। चलो बेटी घर चल। बेटी ले। नहीं अम्मा नहीं, पहले तुम खाओ। माँ तुम लड़कियों अंदर लेके जाओ, माँ भी देख के आए। चलो बेटी चलो चलो। बहुत खराब है, बंद कर दो इसकी आवाज। कैप्टनो टेक ओवर, मैं जरा दुल्हनिया को देखकर आता हूं। अरे तू क्यों सामने आ गई? आज तो मैं खरे सोने की उस थाली का उद्घाटन करने जा रहा हूं, हजार रास्ते से। आगे बढ़कर देख। अरे दुल्हनिया के कपड़े पे तेरे खून का दाग पड़ा तो क्या मजा आएगा। आज मैं जानू की तरफ से जश्न मनाऊंगा। मैं मनवाती हूँ तेरी सुहागरात। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो मेरे।
खुदा से तो बड़ा नहीं है, फिर भी मैं तेरे पांव पकड़ती हूँ मेरे बेटे। नहीं मार भाई, जिन हाथों से तुम रोज कला में पांव छूती हो उन हाथों से शैतान के पास मत छुओ। समझदार है तुम्हारा बेटा, समझदार है, तुम्हें मेरे पांव नहीं छूने चाहिए। लुक आफ्टर मेजरान। यही हाथ पर आया था ना पानू को छूने के लिए, मैं इन हाथों को तोड़ के रख दूंगा सालिम। खुदा के लिए मत मारो मेरे बेटे को। नहीं बोलो, नहीं ऐसा मत करना, इस जालिम की बात मत मानना, नहीं अपनी आप को मत लुटाना, खुदकुशी कर लो, मर जाना। खिलाफ सर ना उठाना कायरता है डैडी। भक्तपुर के पास हो, बलबीर के साथ जो भी टकराता है उसका यही आचरण होता है। रबाज की जबरा सामने तुम्हारे जवान बेटे की लाश पड़ी है मां, उसकी दुल्हन की लाश पड़ी है मां, और तुम रो नहीं रही हो मां। अगर अपने बेटे बहू के लिए अगर तुम नहीं रोगी
तो हम क्यों रोएंगे? कोई नहीं रोएगा मां, मां कोई नहीं रोएगा। के कहने के मुताबिक काली पहाड़ी के पीछे बलवीर छुपा हुआ था। फिर कौन आया दैया? कौन आया दैया? किसने दो मजबूर की चाल ली? वो लोग मेरी मीना के पीछे गए। क्या कर ले गया? रामजादे, बल्लू, बल्लू, बल्लू। आखिरी दीदार। लाश लावारिस नहीं है। बलबीर पर ये दोनों मौत उधार रही। हम तुम्हारा बदला लेने के लिए ही जिंदा रहेंगे जानू। भैया बलबीर पप्पू को उठाकर ले गया था, उसी की जान बचाने के लिए। कपूर साहब को जानू और बानू की जान लेनी पड़ी।
जानू भी किसी का बेटा था कपूर साहब, बानू भी किसी की बेटी थी। इसीलिए तो शर्म के मारे मेरा सर झुका जा रहा है। इन्हें माफ कर दीजिए रघु भैया। इनसे कहो कि उन दोनों कब्रों से आकर माफी मांगे। मेरे इस कसूर के बदले में चाहे मेरी जान ले लो, पर मेरे पप्पू को बचा लो, मेरे पप्पू को बचा लो। अब एक काम करते हैं, कपूर साहब को एक चिट्ठी लिखो। आदरणीय कपूर साहब, यहां पर सब कुशल मंगल है, आपकी कुशलता की भगवान जी से हम प्रार्थना करते हैं। आगे समाचार यह है कि आपका छोटा नन्ना सा मुन्ना पप्पू हमारे पास है, और इत्तेफाक से 4 दिन बाद इस गरीब का जन्मदिन है। अगर पप्पू की जिंदगी चाहते हो तो अपनी सुपुत्री कुमारी मीना कपूर को सजा धजा कर हरी घाटी में भेज दे। अरे कपूर साहब, तो इसमें इतना हाथ पांव फैलाने की क्या बात है। मेरा आवाज जरूर जाएगी, लेकिन बलबीर के लिए अमराज का दूध बनकर। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? नमस्ते शीला जी, कल जो कुछ भी हुआ बड़े दुख की बात है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दूर आकर बहुत कष्ट उठाया ये बताने के लिए, नहीं तो हमें मालूम ही नहीं था कि ये दुखी बात है। पुलिस वालों को बुरा भला कहने का तो कुछ फैशन से चल गया है शीला जी। हम कोई जादूगर तो है नहीं कि टोपी उतारे और खरगोश निकाल ले। पब्लिक पुलिस का साथ नहीं देती। कल जब मैं पूछताछ करने के लिए इस बस्ती में आया तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कुछ जानता ही नहीं। इस बस्ती के लोगों ने जैसे अपनी आंखें बंद कर रखी हो। आप कुछ बता सकती हैं? जरूर बताएंगे। कल रात यहाँ के कब्रिस्तान में 2 कब्रें बनी, एक जानू वाले की, दूसरी उसकी नई नवेली दुल्हन बानू की। बानू इसलिए मरी कि वो जान देकर अपनी आबरू बचा सकी। मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं, शिकायत तो अपने आप से है। ना हम ठीक से जी सकते हैं, ना ठीक से मर सकते हैं। अब हम लोगों ने बलबीर से निपटने का खुद फैसला कर लिया है। मैं तो कानून को अपने हाथ में लेने की राय नहीं दूंगा, और हम आपसे राय मांग भी नहीं रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम अदालत कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हम जाकर कहेंगे कि बलबीर ने शीला देवी के पति का खून किया है, और अदालत कहेगी सबूत लाओ। हम कहेंगे कि बलबीर जालिम ने जानू और बानू की बेइज्जती की हत्या कर दी। अदालत फिर से वही बात दोहराएगी कि सबूत लाओ, और अगर हम किसी तरह सबूत ले भी आए तो कोई वकील हेरा फेरी करके उसे बचा ले जाएगा। इसलिए इस बार हमने फैसला किया कि हम बलबीर से कानून के मैदान के बाहर लड़ेंगे, चाहे वकील भी हम खुद होंगे, अदालत भी हम खुद। कल सवेरे जब वापस जाना तो पप्पू को साथ लेकर जाना। तब तक मेरे जन्मदिन के अवसर पर तुम नाचोगी और मुझसे प्यार करोगी।
पप्पू को लेकर अस्पताल चला जा, मैं तब तक नहीं रोकता हूँ। पागल हो गया, मैं तो अकेला छोड़ के जाऊंगा क्या? देख गोली का जहर फैल गया ना तो मीना की जान को खतरा है। जा जल्दी जा। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। जा जल्दी जा, मेरी बात मान, जा जा ना। मीनू को हॉस्पिटल छोड़कर वापस आता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। क्या हुआ रघु? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हरामजादे बलबीर ने मुझ पर पीछे से वार कर दिया। देख तो मेरी फिक्र मत कर, वो उधर गया है, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। बल्लू, शीला देवी को दिया वचन तुझे याद है ना बल्लू? नहीं रघु, मैं तुझे अकेला छोड़कर जा नहीं सकता। मुझे कुछ नहीं होगा दोस्त, शीला देवी को दिया हुआ वचन निभाए बिना अगर मैं मर गया तो तुझ पर भी लानत होगी दोस्त, तुझ पे भी लानत होगी। हाँ नहीं मेरे यार, तेरा दिया हुआ वचन पूरा होगा। हाँ जरूर पूरा होगा। बलबीर!
जगह है जहां तूने डीएसपी रंजीत सिंह को फांसी पर लटकाया था। उसे हम नहीं मारेंगे, उसे शीला देवी मारेंगी। हमने शीला देवी को वचन दिया है, हमने शीला देवी को वचन दिया है। तो आई गई है, लेकिन वादा करो कि इस हरामजादे परवीर को तड़पा कर मारोगी। इतना तड़पा कर इसकी मौत की कहानी सुनकर इंसान कभी गुनाह का नाम ना ले। और मारिए, ये वही हाथ है जिससे तूने कई अबलाओं की आहू लूटी है। जिससे तूने कई मासूमों के अरमान कुचले हैं। रुक जाइए, कानून को अपने हाथ से बदल दीजिए। कानून की किसी भी सजा का मुझे कोई डर नहीं। इसे मारने के जुर्म में कानून मुझे फांसी पर लटका देगा ना? हे यार, आप मेरी जान ले लेंगे। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन इसने मेरे पति को मार डाला और मुझे जलील किया था। रुक जाइए, रुक जाइए शीला जी। क्या क्या शीला जी? हाँ, मैंने इसे मार डाला क्योंकि इसका जीना जिंदगी और समाज दोनों के लिए अपमान था। मैंने अपना फर्ज अदा किया है, आप अपना फर्ज अदा कीजिए। नाम बेशक रघुनाथ शास्त्री, मगर हम है जाहिल निभट्ट, हम गुंडा आदमी हैं।
मगर इस वक्त आपसे ये कहने आए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने खून से आपके आत्मा के एक घाव को धोकर साफ करेंगे।